Legendary leg spinner Rajinder Goyal, who has a ton of wickets at the domestic level, passed away at the age of 77. He did not play for India but earned huge respect as a player by his contemporaries and fans of the game. Participating in the Ekambra Sports Lit Fest in 2019, he paid rich tributes to Bishan Singh Bedi and Sunil Gavaskar. Goyal felt Bedi was devoted to practice, which made him a better bowler, while Gavaskar was a great batsman who was very difficult to get out. He cherishes a compliment from Bedi, who said he was the most contented man he had ever met. जब हम प्रैक्टिस करके खूब थक जाते थे, बिशन हम दिल्ली से मैं 10 साल रणजी ट्रॉफी खेला, तो बिशन कहता गोयली हूँ ऐसे चलो आप प्रैक्टिस करते हैं देखते हैं अपने में कितना दम है, तो एक एक विकेट लगा के मैं और बिशन एक एक साइड से आधा घंटा बॉलिंग करते थे और बहुत अच्छा प्रैक्टिस हमारी इतनी थी, हम झूठ वैसे नहीं कहते, हम आँख मीच के बॉल डालते थे, विकेट में गेंद लगती थी। स्पिनर को इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि जहाँ अपनी मर्जी से गेंद डाले, ये नहीं कि बॉल की मर्जी से गेंद जाए। तो बिशन ने बहुत प्रैक्टिस कराई, बिशन बहुत हार्ड वर्कर था और खूब प्रैक्टिस कराता था। क्रिकेट जो इंडिया के अंदर सुधरी है, मैं आज भी ओपनली कहता हूँ बिशन की वजह से क्रिकेट ऊपर आई है। बिशन सिंह बेदी मेरे घर आए, उन्होंने भी ये कहा भाई मेरी वाइफ को, बोले भाभी जी गोयल जैसा सेटिस्फाइड आदमी मैंने नहीं देखा, बोला जहाँ जब मर्जी बोल करा लो, जब मर्जी कुछ ही करा लो, तो बहुत ही मैं क्या बनेगा क्या अगर आदमी आपने शांत रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं गावस्कर साहब के साथ बहुत मैच खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी मैच भी खेला हूँ और दिलीप ट्रॉफी मैच भी खेला हूँ और रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी खेला हूँ मैं, तो मैंने गावस्कर साहब को 5-6 दफ़ा आउट किया है। और गावस्कर साहब बहुत ही अच्छे बैटिंग करते थे, उनको आउट करना तो बहुत मुश्किल था, बीट कराना ही मुश्किल था उनको। एक दफ़ा सुनील से मेरी बात हुई बम्बे में, तो बोला आप कैसे आउट करते थे, मैंने कहा मैं आउट नहीं करता था आपको, आप मेरे को ओवराइज करते थे, आउट होके मेरे को ऑनर करते थे। तो बहुत वो हैरान हुए। तो सुनील गावस्कर ने इसीलिए लिखा है भाई मैं उनको कई दफ़ा आउट किया मैंने उनको, तो वो दे आर वेरी ग्रेट।